गुड इवनिंग। कल 15 पर्यायवाची कंप्लीट हो गए थे, है ना। आज 16वें से करना है, तो एक काम करते हैं, चलो असुर असुर के करते हैं। असुर असुर को क्या क्या कहते हैं? दानव कहते हैं, दानुज कहते हैं। बाकी सब राक्षस साइलेंट रहो। राक्षस दानुज थोड़ा देखते जाओ कि पढ़ना पढ़ना बसा है, हैं? देखते जाओगे सही है कि नहीं है। तो दानुज सर गलत लिखा है, पढ़ हाँ, तो पढ़ बस इसलिए तो हम कह रहे हैं। सही तो लिखा है नहीं सर, बड़ा दान है ये बुक। दानुज है, तो दानुज क्यों बोल रही हो? हमने सर दानुज बोला था, दानुज बोला बस साइलेंट रहो। जब हमें पता है दानुज बोल रहा है, लो दानुज। और निशाचर निशाचर और रजनीचर रजनीचर यतुधान यातुधान यतुधान नहीं है, यातु धन। हमने बोलने के लिए कहा, दो ऐसे मिला के एक। हाँ, निशिचर और दैत्य दैत्य और कौन बचा? राक्षस राक्षस। हाँ, राक्षस। और है सपेरा बना है। हाँ, सही कहते हो, सपेरा होना चाहिए। हाँ, लाओ। राक्षस, ठीक है। देखो, दानव सबको पता है, और दानव से बन गया धनुज, ठीक है। निशा मतलब रात, और चर मतलब चढ़ने वाला, मतलब रात में चढ़ने वाला कौन होता है? अच्छा, रजनी मतलब रात, रात का पर्यायवाची नहीं होता रजनी, और चर मतलब चढ़ने वाला, तो रजनी चर मतलब असुर मतलब राक्षस। यातु धान, यातु धान याद कर लेना, ठीक है। निशिचर भी समझ गए, दैत्य भी जानते होगे और राक्षस भी जानते होगे, ये इतना कठिन नहीं था, ठीक है। अमृत का हुआ क्या पर्यायवाची? हो गया, ठीक है। चलो अश्व के करते हैं। अश्व, अश्व को बोलते हैं घोड़ा कहते हैं, और क्या क्या? घोटक, बाजी बाजी और तुरंग तुरंग, सर वाजी। हाँ, तुरंग। हाय, और है छोटा हा छोटा या। हाँ, और सर एक और तुरंग है जिसमें रा के ऊपर बिंदी चढ़ी, बोला जाता है उसको तुरंग। एक था तुरंग, एक था तुरग, ये तुरंग था। सेन धाओ और बस सर इतना ही है। हो गया। हाँ, तो घोड़ा सबको जानता है, अश्व को ही घोड़ा कहते हैं, ठीक है। और घोटक, घोटक, घोटक को कैसे याद करें? ये घोटा पता है, घोटा, ठीक है। तो घोड़, जब भी तुम्हें घोड़ा वो हो तो चेस जरूर देखा होगा, है ना। उसमें जो घोड़ा होता है उसमें सिर होगा पूरा, ये होगा, ये निकला होगा, तो घोटा से समझ लो घोटक, ठीक है। बाजी, एक मूवी देखी होगी शाहरुख खान की, बाजीगर, वही है बाजी, ठीक है। जो रेस लगाता वही तो बाजी जीतता है ना। तुरंग, अब तेज चलने वाले को तुरंग ही कहते हैं, और तुरग भी कहते हैं। हाय, हाय,
घोड़े से गर्जा से निकले हाय, है ना, हाय। यहाँ देखो सैंधव, सैंधव। अच्छा सिंधु तो सुना है, है ना, सिंधु किसका पर्यायवाची था? हाँ तो सैंधव घोड़े का है, याद रखना। तो, अच्छा अरे बात वही है, सैंधव, ठीक है। हाँ अब अंधे के पढ़ते हैं, अब अंधा। अंधा का क्या बोलेंगे, नेत्रहीन, सूरदास, अंध, अंध बोलते हैं, अंध। देखो देखो देखो, चा और आधा इया और छा छत्री का, कहाँ है माँ, वे इया बनाए गधी आधा इया, उसमें नहीं देखो ऐसे लिखते हैं, चक्षु विहीन, वहां चा बना होगा आधा चा है, यही लिखो चक्षु विहीन, समझ गए। और तो नेत्रहीन, सूरदास, अंध और चक्षु विहीन, चक्षु विहीन। आनंद का लिखवा रहे, लिखवा रहे, कामदेव का लिखते हैं, कामदेव। मदन, मदन, रतिपति, रतिपति, मार, मार, बड़ा माँ छोटा था, और मनसिज, मन है, मनसिज, और आनंद, 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 अनंग, और चा चम्मच, पंच सर, सीटी वाला, पंच सर, और इस्मर, सर आधा सा ऐसा पीरा वाला, इस्मर, कंदर्व, कंदर्प, कामदेव, मदन, मदन, तो उसमें क्या है, नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षुविहीन, चक्षु मतलब आँखी, आँखी से विहीन, अंधा ही कहलाता है, अंध में अंधा, सूरदास जिनको दिखता नहीं उन्हीं को सूरदास कहते हैं, नेत्रहीन जिनके पास नेत्र नहीं है नेत्रहीन, समझ में आ गया होगा। कामदेव को देखो, मदन, ठीक है, रतिपति मतलब रति के पति, तो कामदेव की पत्नी का नाम है रति, याद रखना, तो रति के पति, मार, मार कह सकते हैं। देखो कामदेव बहुत सुंदर देव है, मतलब सुंदर नहीं कहते, हैंडसम अपने उसमें, तो सुंदर है, ठीक है, उन्हीं के लिए कहा गया है। तो रतिपति, रति के पति, मार, अब सुंदरता देख के इंसान मर जाता है, सुना होगा, है ना। मनसिज, मन, मन को सजाने वाला समझ लो, अब सुंदर इंसान देखेगा तो मन खुश नहीं हो जाएगा, तो मनसिज हो गया।
अनंग, अनंग के तो आनंद याद रख लो, आनंद भी आता है। पंचसर, पंचसर ये याद करना पड़ेगा। स्मर मतलब जो मरता नहीं, तो देव तो वैसे नहीं मरते, स्मर समझ लो। और कंदर्प, कंदर्प, कंदर्प याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मदन, रतिपति, मार, मनसेज, अनंग, पंचसर, स्मर और कंदर्प, है ना। बालों को ही केस कहते हैं। चलो ग्रह के लिखते हैं, घर के, तो घर को ग्रह कहते हैं, ग्रह भी कहते हैं, निकेतन भी कहते हैं, भवन भी कहते हैं, सदन भी कहते हैं, अगार भी कहते हैं, आयतन, अच्छा आगार और आयतन और आवास बोलते हैं, आवास और धाम, धाम ना, धाम और ये दिख रहा है, एक मिनट, हाँ दिख रहा है, निलय, निलय ग्रह हो चुका है। यहाँ देखो, देखो घर को जैसे हम कहते हैं ना ग्रह कार्य, तो ये वही है ग्रह, घर का काम, तो ग्रह कार्य, गेह भी उसे कहते हैं। नाम सुना होगा सबके घरों में नाम जुड़े होते हैं, जैसे हर्ष निकेतन, हर्ष भवन, हर्ष सदन, ऐसे नाम सुने होंगे, सुने ना। आगार, आगार याद कर लेना। देखो वैसे एक सुना होगा कारागार, सुना, तो कारागार भी एक टाइप का रूम होता है, भले मुजरिमों के लिए होता है, तो ये उसी से बना है आगार, ठीक है। आयतन, आयतन याद कर लेना, उसी को आवास, जहाँ अपन लोग कहते हैं उसे कहते हैं आवास, ठीक है। देखो आवास का मतलब वास करते हैं, आप वास करते हैं, वास करना मतलब रहना। धाम, जैसे हम धाम कहते हैं, देखो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सुना होगा, हाँ उसका है गोकुल धाम, तो वहाँ वो लोग रहते हैं, ये वही धाम है। निलय, निलय होता है जहाँ इंसान निकलता है, जहाँ से, तो आप लोग कहाँ से निकलते हो, घर ही से तो निकलते हो, तो निलय हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ें देखो और अभी अच्छे से मुंह बंद करके, अच्छे से याद करो इसे। चलो आगे देखते हैं, देखो आंख का देखते हैं, आंख का तो नहीं लिखा रहा अभी, आंख, आंख, आंख का नहीं लिखा, तो आंख का देखो अभी पढ़ा था ना, चक्षु, चक्षु ऐसे भी लिख सकते हैं, चक्षु, चक्षु, ठीक है,
नेत्र नयन लोचन, नेत्र नयन लोचन और है अच्छी छोटी छी, हाँ अच्छी दृष्टि, हाँ दृष्टि भी बोलते हैं दृष्टि, अंबक विलोचन द्रव द्रग द्रग ऐसी वाली द्रग और तो चक्षु, देखो चक्षु में समस्या नहीं, नेत्र में, नयन में, लोचन में, इतने में समस्या नहीं होना चाहिए। चक्षु नयन लोचन, ठीक है, चक्षु नेत्र नयन लोचन। अब अच्छी, छींक आने पे क्या बोलते हैं, तो आंखें बंद होती हैं कि खोले खोले छींक लेते हो, तो ये अच्छी। दृष्टि, दृष्टि तो जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दृष्टि उसी को कहते हैं जो अपन देख पाते ना, उसी को कहते हैं दृष्टि। अंबक 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 याद कर लेना, ठीक है ठीक है। विलोचन, लोचन से बन गया विलोचन, और द्रग द्रग भी याद कर लेना, दो चीज है अच्छी याद करने लायक, मतलब जो देखो बाकी तो ट्रिक से याद कर लोगे, बाकी एक आध दो ऐसे हैं कि जो अपने मन से अच्छे से याद करने पड़ने, ठीक है। और पढ़ते हैं अब छह हो गए ना, तो हमारे अंदाज से अब इतने का रिवीजन करो, ठीक है, जितने भी हो पाए हैं, और अच्छे से देखना, ठीक है, हो जाएगा, रिवीजन करो, और हम थोड़ा पूछ ले तो कल के। चलो बताओ कौन सा पूछा इससे, मतलब से बोलो, अब चंद्रमा ही अटके रहोगे, वो रट्टा मार के आया होगा चंद्रमा के, बादल, चलो बादल के बताओ, इधर आओ उठ के, इधर आओ जल्दी जल्दी उठ के आओ, इधर, तो सामने वाले को बताओ क्या क्या बता रहे बादल के पर्यायवाची, याद नहीं है, अब तो तुमने नाक कटा दी, घर में देखना है कौन बताएगा बादल के, आ जाओ खड़े रहो, हाँ प्रसाद भी देंगे हम थोड़ा देर से, इधर आओ जल्दी आओ, बोलो इसमें सुनाओ सबको बाद, हाँ। बादल का जलधर जलद जलधर जल जलधर जलद नीर सर्व नीर निधि, नीर निधि मेघ भूल गए ना, यही होता है, और कैसे याद है, नहीं याद, चलो सजा फिर देते हैं इसकी, बादल का याद है, हाँ तो आजा सुना, ये सर सामने सामने वाले को पता तो चले, बादल का सामने वाले को बता जो वीडियो देख रहा है, यहाँ यहाँ जलज मोबाइल पे देखो, बादल का जलज मेघ जलधर निर्निधि जलनिधि आकाश
आकाश आसमान जलज समुद्र की है ये। अच्छा अच्छा उसकी हाँ 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 ये आसमान वगैरह कह रहे हो। चलिए तो फिर इनको थोड़ा सजा देते हैं, पढ़ना वो ऑफलाइन सजा देते हैं। बाय।